हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ये कमाल का गैजेट। इसका नाम रखा है हमने पोर्टेबल पार्टी बॉक्स। तो बिना किसी देरी के चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पीवीसी पाइप चाहिए जिसका विड्थ 4 इंच और जिसका लेंथ 3.5 इंच तक होना चाहिए। आप चाहे तो इससे थोड़ा लंबा भी ले सकते हैं। फिर हमें पीवीसी शीट लेनी है उसी के मोटाई के हिसाब से, और इस तरीके से दो गोल्ड शीट काट लेनी है जिसको हम इसके ऊपर और नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हमें एक ऐसा बल्ब चाहिए, आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और ये मेरे पास एक ख़राब बल्ब पड़ा था, तो इसका ये जो मोटर और LED का पार्ट होता है हम इसे निकाल लेंगे, और ये नीचे वाला कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको इस एक प्लास्टिक शीट में इसको लगाएंगे। तो देख लीजिए किस तरीके से हम इसको ठीक बीचों बीच लगाएंगे। तो देख सकते हैं इसके सेंटर में हमने होल बना लिया है, और इसके सेंटर में हम उस मोटर के शाफ्ट को लगा देंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो LED है और ये जो स्क्रूज है इसको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए हम किस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। अभी हमें इसके स्क्रूज के होल्स के हिसाब से हम इस प्लास्टिक शीट में भी होल कर लेंगे, ताकि इसको स्क्रूज के साथ इस प्लास्टिक शीट में अच्छे से लगा सके। अभी हम इसके जो LEDs हैं इसको निकाल लेंगे, और इसको ऐसे ऊपर की साइड ग्लू के मदद से चिपका लेंगे। और इसका कनेक्शन भी हमें कर लिया है, और इससे हम दो बैटरी आउटपुट ले लिया है हमने बैटरी के लिए। और लेकिन अभी फ़िलहाल ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको हम पहले ऐसे इसका सर्किट ऐसे ब्रेक कर देंगे, और इसको हम पैरेलल कनेक्शन कर देंगे, ताकि ये आसानी से 4 वोल्ट की बैटरीज के साथ, जो लिथियम आयन का बैटरी आता है उसके साथ आसानी से चल सके। तो देख लीजिए किस तरीके से हम इसको पैरेलल में कनेक्शन करते हैं LEDs को। तो देख सकते हैं किस तरीके से हमने इन LEDs के सारे पॉजिटिव को एक साथ और सारे नेगेटिव को एक साथ लगा के इसको पैरेलल कनेक्शन कर दिया है। और इससे हमने जो ये दो आउटपुट निकाले हैं इसको भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए आसानी से चल रहा है, और ये मोटर शाफ्ट भी घूम रहा है, शायद आपको कैमरा में ना दिखे लेकिन ये अच्छे से काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तार को हम नीचे की साइड में ले लेंगे, वो जो छोटा सा होल हमने बनाया था उससे ले लेंगे, और इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसमें हम स्पीकर्स लगाएंगे। तो स्पीकर्स लगाने के लिए हमें सबसे पहले इसमें दो होल्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हम दो स्पीकर्स लगाने वाले हैं। तो इसको पहले मार्किंग करके इसका दो साइज निकाल लेंगे, कितने साइज़ का होल हमें करना है, और इसको हम अंदर की साइड से ऐसे इस तरीके से चिपका के लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें होल कर लेते हैं मार्किंग करके। तो वो देख सकते हैं इस तरीके से हमने दो होल बना लिए हैं, जिसमें हम ये दो स्पीकर्स लगाएंगे, और हमने पीछे की साइड में दो और होल्स बनाए हैं जिसमें हम ये स्विचेस लगाएंगे। तो इसके साथ हमने ये तार के टुकड़े लिए हैं, ये जाली के टुकड़े हैं,
तो इसको हम पहले लगा लेंगे ताकि स्पीकर्स ज़्यादा डैमेज ना हो, बाहर से अगर कोई टच कर ले तो ज़्यादा डैमेज ना हो, इसके लिए हम इसको ऐसे ग्लू से चिपका लेंगे। तो देखिए हमने इसको ग्लू से चिपका लिया है, अब हम इसमें स्पीकर्स लगा देंगे। तो स्पीकर्स को हम स्क्रूज की सहायता से लगाएंगे ताकि अच्छे से थ्रेड होकर लग जाए, अच्छे से टाइट होकर लग जाए ताकि वो हिले ना अपनी जगह से। तो ये देखिए हमने स्क्रूज की सहायता से लगा दिया है। तो अब इसमें से हम स्विचेस भी लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम दो स्विच लगाएंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे इसको देख लेते हैं, ये ठीक तरीके से सेट हो रहा है कि नहीं। हाँ तो ये अच्छे से सेट हो रहा है। तो इसके बाद हम जो ऑडियो आउटपुट के लिए हम ब्लूटूथ और एम्पलीफायर का कनेक्शन करेंगे। तो ये रहा एम्पलीफायर, ये छोटा सा एम्पलीफायर 3 वॉट के स्पीकर्स के लिए, और ये दूसरा है ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो ये आपको आसानी से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स में मिल जाएंगे, बहुत ही चीप रेट में मिल जाते हैं ये। तो अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसका कनेक्शन कर लिया है। इसके जो 3 पिन्स होते हैं, 3 पॉइंट्स, इसको ब्लूटूथ और एम्पलीफायर के 3 पिन को हमने अलाइन कर लिया है, अच्छे से कनेक्शन कर लिया है। और इसके पावर पॉइंट्स को भी हमने कनेक्शन करके 2 पावर आउटपुट के लिए वायर्स निकाल लिए हैं, ये ब्लैक एंड रेड हमने पावर आउटपुट के लिए निकाले हैं, और ये वाइट एंड रेड, ये दोनों 2 स्पीकर्स के लिए। इसको हम बाद में कनेक्शन करेंगे। तो अभी हम बैटरीज का कनेक्शन देख लेते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये 18065 का की बैटरीज। ये 3.7 वोल्ट के होते हैं, फुल चार्ज करने पर ये 4 वोल्ट के जाते हैं। तो इनको हम पैरेलल में कनेक्शन कर लेंगे और इस तरीके से, और इसको हम इस गैजेट के बेस, जो प्लास्टिक सीट लगाएंगे बेस के लिए, उसी में हम इसको चिपकाएंगे। तो इस तरीके से कुछ अलाइन करके अच्छे से हम इसको चिपका लेंगे। तो इसको हम चिपकाने के लिए डबल साइड टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं, देख सकते हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. तो इस तरीके से बैटरीज को चिपकाने के बाद हम इसमें एक चार्जर मॉड्यूल सेट करेंगे, जो कि हमारे बैटरीज को चार्ज करने के लिए लगाया जा रहा है। तो इसको भी हम एडजस्ट करके, ये देखिए छोटा सा एक होल बना लिया है हमने, और इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करके इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. तो बैटरी के साथ हमने इस चार्जिंग मॉड्यूल का कनेक्शन कर लिया है, अब इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी हम इसके साथ कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका माइनस का पॉइंट हम डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड कर लेंगे, लेकिन इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है हम इसको स्विच के साथ लगाएंगे, जो कि बैटरी के साथ स्विच के माध्यम से कनेक्टेड होगा। तो इसको हम कर लेते हैं कनेक्शन, कोई ज़्यादा मुश्किल कनेक्शन नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा, आप देखते जाइए।
अब इसके बेस को चार्जर मॉड्यूल के साथ अलाइन करके हम इसको ग्लू से चिपका लेंगे। आप इसके लिए सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हॉट ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हम ये जो LEDs के वायर प्लस वाला वायर और जो ब्लूटूथ मॉड्यूल के प्लस वाला वायर, इसको हम स्विचेस के साथ कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो बैटरी वाला पॉजिटिव पॉइंट है तो इसको दोनों स्विचेस के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने कनेक्ट कर लिया। इसके बाद जो LED और ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो प्लस वाला पॉइंट है, इसको हम स्विचेस के साथ एक एक करके लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। और अब हम इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे नीचे वाले को लगाया था वैसे ही ऊपर वाले को लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले हम स्पीकर्स का कनेक्शन भूल गए थे, तो स्पीकर्स का कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, हमने स्पीकर्स का कनेक्शन कर लिया। अब हम इसके ऊपर वाला पार्ट को सुपर ग्लू की सहायता से लगा लेंगे। उससे पहले थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये ठीक से काम कर रहा है। अब इसको हम सुपर ग्लू के फेविक्विक की सहायता से लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इसको लगा लिया है अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, ये बल्ब का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको ऐसे स्क्रू के मदद से लगा लेंगे। ये देखिए, अच्छे से काम कर रहा है। अब इसको थोड़ा पॉलिश कर लेंगे। और तो इसको हमने ग्रीन कलर का टेप लगा के थोड़ा ऐसे बना दिया है। तो चलिए, हम अब इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं कि इसका चार्जर जो है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये रहा इसका चार्जिंग पॉइंट। तो हम पहले क्या करते हैं, ये माइक्रो USB वाला चार्जर मुझे मिला था। आप चाहे तो टाइप सी वाला चार्जर मॉड्यूल भी ला सकते हैं। तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए ये देखिए, छोटा छोटा जो LED जल रहा है उससे ये चार्ज हो रहा है। जब ये पूरा चार्ज हो जाता है तो ये ब्लू कलर का जलता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, ये हमारा गैजेट अच्छे से पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं।